तो हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में, हम बात कर रहे हैं फाइल मेनू बार की। आखिर फाइल मेनू बार करता क्या है, राइट? रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं? हाँ, मैंने आपको भी अलाउ कर दिया है, आप कर लीजिए। तो फाइल मेनू बार में एक आपका, इसमें हमने ऑप्शंस भी थे, तो ऑप्शंस में हमने एडवांस के बारे में बताया था आपको कि एडवांस क्या करता है, बट इसमें नीचे कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बार समझ लीजिए। जैसे कि बाकी सारे फीचर्स तो ऑल ओवर एप्लीकेशन के लिए होती है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स सिर्फ फाइल के लिए होती है। जैसे कि अगर यहाँ देखें बुक टू, तो ये सारी चीज़ें बुक टू के ऊपर आती है, हर जगह बुक टू लिखा हुआ है ना। जी तो जितने भी एक्टिव बुक होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ ये बुक टू के सीट वन जो एक्टिव सीट है, अदरवाइज आप सीट को ही चेंज कर सकते हैं। तो क्या है ये आपका फॉर्मूला बार को हाइट कर देगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हाइट कर देगा, सीट टेप सीट के नेम को हाइट कर देगा। ऐसे आपका हीडर जो ABCD आती है जो मेनू बार में, वो और जो 1 2 3 है इसको हाइड कर देती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा है वो है कस्टम लिस्ट। और कस्टम लिस्ट क्या है ये चीज़ को जानिए। जैसे आप यहाँ पे संडे लिखते हैं और नीचे ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आ जाता है, और यहाँ पे हम जैन लिखते हैं तो नीचे ड्रैग करते हैं तो जैन फेब आ जाता है, राइट? जी उसी सर। तरह से मैं यहाँ पे पूजा लिखूंगा तो नीचे ड्रैग करूंगा तो आ जाएगा आपका पूजा और बाकी चीज। पर आपके सिस्टम में नहीं आया, क्योंकि मेरे सिस्टम में आया क्योंकि मैंने इसकी लिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो आपके ऑफिस में ऐसा कोई लिस्ट होगा जिसको बार बार आप कॉपी पेस्ट या कहीं और से लिखते होंगे, तो आप एडवांस में जाएंगे और एडवांस के अंदर में आपको यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट मिलेगा। इसमें आप ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैंने देखिए ऐड कर रखा है, मैंने नॉर्थ ईस्ट अपना कोर्स लिया नेम का, सिटी का नेम का, लेकिन डिफॉल्ट चार होते हैं संडे मंडे जैन फेब, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, और नया लिस्ट ऐड करने के लिए न्यू लिस्ट पे जाइए और एक एक करके लिस्ट को ऐड कर। अगर आपने कहीं लिस्ट टाइप कर रखा है तो यहां से सेलेक्ट करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई लिमिटेशन से सर कितना कर सकते हैं बुक? हाँ, इसकी वही 256 के आसपास लिमिटेशन है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं कस्टमाइज रिबन की तरफ। कस्टमाइज रिबन में जैसे आपका जो मेनू बार दिख रहा है ना, यहां से होम से लेके यहाँ बाकी जो दिख रहा है सारा, हेलो। जी तो इसमें आपके सामने यहाँ जिस बटन पे आप क्लिक कर देंगे इस चेकबॉक्स पे, वो मेनू गायब हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि डेटा स्ट्रीमर नहीं शो कराना है या हेल्प नहीं शो कराना है, तो मैं यहाँ से अनचेक कर सकता हूँ। या कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे डेवलपर टाइम आपके सिस्टम में डायरेक्ट डिफॉल्ट नहीं आता है, तो उस पर क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ अनचेक होगा। दूसरा, आप खुद के नया टैब क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप 20 25 50 ऑप्शन यूज करते हो, वो अलग अलग मेनू बार में है, तो अलग अलग मेनू बार में जाना पड़ता है आपको। तो यहाँ से न्यू टैब और जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है सर? जी जी कर लीजिए या करके दिखाऊं? नहीं हो जाएगा सर ये तो। इसका यूज आप कर सकते हैं। दूसरा, यहां आप देखेंगे कमांड नॉट इन रिवन है, कमांड नॉट इन रिवन मतलब ये कमांड रिवन में नहीं है, तो इसमें से जो आपके लिए यूजफुल होगा उसको सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, ओके। अब जी अगला सर बात आता है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जैसे कि ऑटो सेव है, यहाँ पे सेव है, ऑनडो रीडो, और एक मैंने बॉर्डर का डाल रखा है, ऐसे आप भी यहाँ चीजें डाल सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि आप अल्ट प्रेस करते यहाँ पे नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो Alt 5 एक शॉर्टकट बन गया ना, सिंपल, ठीक बिल्कुल है ना, Alt 5।
तरह के कस्टमर क्विक एक्सेस में बाहर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिंस की। और एडिंस क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरे लिए कुछ कुछ मैक्रो तैयार कर दो, या मेरे लिए आप कहिए, आपने बोला कि मेरे लिए एक कुछ फंक्शन तैयार कर दो, तो आपको जो देगा तो आप एडिंस ही उसको ऐड करेंगे। एडिंस के वो पे आप जाते हैं तो यहाँ देखिए और पहले से बने हुए बहुत सारे हैं, जैसे मैंने खुद के बनाए हुए फंक्शन, एक आपका पासवर्ड रिमूवर है मैं डाउनलोड किया था, ये दो तो पहले से था, सोल्वर ऑटो करेंसी, ये सब चीज़ें हैं, इसको क्लिक करते ही आप आ जाएगा। जैसे मेरे सिस्टम में सोल्वर देखेंगे, आपके पास नहीं होगा क्योंकि मैंने एडिंग से यहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिंग से खुद के और ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है, जैसे कि पावर पिवट मुझे दिख रहा है, आपके सिस्टम में पावर पिवट नहीं होगा, तो यहाँ एक्सेल की कॉम एडिंग में सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पावर पॉइंट का ऑप्शन है जी। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, आपको आ जाएगा, इसे डेटा स्ट्रीमर है, ठीक है जी सर, समझ गए। ये आपके एक्सेल ऑप्शंस के चीजें थी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। दूसरी चीज टेम्पलेट्स के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो अभी आप क्या करें, इसमें से कम 15-20 टेम्पलेट को डाउनलोड करें सर। 15-20 टेम्पलेट डाउनलोड करें तो अब बोले सर इससे क्या फायदा, तो इससे फायदा होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि आखिर रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, किस किस तरह के फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो इसमें सिंपल ही नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी है, जैसे कि इसकी देखें एम्प्लॉय एब्सेंट ट्रैकर के बारे में देखें, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, देखिए दिख रहा है सर, वी वैकेशन पे गया, पी पर्सनल, सी से कस्टम, और कस्टम जो भी डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अगर मैं पी कर देता हूँ तो पर्सनल रीजन से छुट्टी पर गया हुआ है, दिख रहा है आपको सर। ईयर वाइज ईयर है, 2020 का डाल के एंटर मारता हूँ तो सारा रिकॉर्ड 2020 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और ये मंथली सिस्टम है। ऐसे ही आप इसमें देखें तो आपको यहाँ पे न्यू में आपको यहाँ पे ये दिखेगा, कैलेंडर दिखेगा, यार सीजनल फोटो कैलेंडर, या फिर यहाँ पे दिख रहा है एनी ईयर कैलेंडर दिख रहा है आपको, तो इस तरह के बड़े बड़े सारे फॉर्मेट्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखिए एंजल ग्राम चार्ट, देखिए दिख रहा है। अब ये टास्क है हमारा, ये हमारा टास्क का नेम कैटेगरी है, ये हमारा नेम है, प्रोसेस 50% हो गया है, और स्टार्ट अब हुआ था, और नंबर डेट इतना दिन चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जुलाई कर देता, 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट डेट ये ऑटोमेटिक जुलाई है दिया हुआ है, मई का आ गया, जून आ गया, डिस्प्ले 2 महीने का रहेगा, 3 महीने का डिस्प्ले है, मई जून जुलाई 3 महीने, मई जून जुलाई 3 महीने का डिस्प्ले, जितना परसेंट काम होगा उतना परसेंट का दिखाएगा आपको यहाँ जी, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स ऑन डिक्स, तो इस तरह की टेम्पलेट है, तो आप क्या करें, इस तरह की टेम्पलेट को डाउनलोड करें
और थोड़ा सा एनालाइज करो आज, ठीक है? उसके बाद हम अगली क्लास में हम आपकी होम मेनू बार से कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय। ओके बाय।